ये कहानी एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार की है जिसमें दादा दादी, माता पिता और दो प्यारे से बच्चे हैं। आज खाने में क्या बनाऊं? अरे कोई भी सब्जी बना लो। माँ, सब्जी नहीं बनेगी। पोहे बनेंगे, पोहे। चलो बहन। अरे मेरी सब्जी कहाँ जा रही है आज? हमारे यहाँ फ्रेंड्स भी आज कम। अरे वाह। वेरी गुड। जयी हो गया। जीत के आना है। ठीक है, बाय बाय। लेकिन ये दिन आम दिनों की अपेक्षा कुछ अलग ही होने वाला था। या। अरे दीदी देखो ये जीत लिया मैंने 1000 रुपए। बस दिन भर मोबाइल चलाना और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? जेने के पहले अपना कैरियर बना ले, उसके बाद मोबाइल चलाते रहे। अच्छा ये लो। सुनो बच्चे अभी तक नहीं आए, इतना टाइम हो गया। हमें तो चिंता लग रहा है, अभी तक तो बच्चे आ जाते थे। हेलो, हाँ स्कूल से। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा शिवा और शक्ति जो है स्कूल गए थे, अभी तक लौटे नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, 2 बजे छुट्टी हो गई? अरे बेटा बेटा क्या 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 हो गया? क्या क्या हो गया? सुनो आप पुलिस को, मैं पुलिस को। हाँ भाई पुलिस स्टेशन। क्या रे केशव, भूल गया क्या? 1 करोड़ रुपया लिया मेरा, अब तक तूने दिया नहीं। 1 हफ्ते के अंदर मेरा पैसा नहीं मिला ना, तेरे को जान से मार दूंगा, समझा दे तू। हेलो। ये सुनकर केशव डर जाता है और अपनी बहन से पूरी बात बताता है, और बहन अपने पति को बच्चों की किडनैपिंग के लिए उकसाती है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरे बच्चों के जैसे हैं यार। ठीक है तो फिर हम मर जाएंगे तो करते रहना। अंत में पति थक हार कर अपनी पत्नी की बात मान लेता है और बच्चों की किडनैपिंग के लिए राजी हो जाता है। आवाज और महिला सुरक्षा शाखा एवं मध्य प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रयासों से काफी हद तक इस तरह के जुर्मों पर रोक लग पाई है। लेकिन हर बच्चा इनकी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। मानव दुर्व्यापार इस समय दुनिया का 3रा सबसे बड़ा व्यवसाय है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं एवं बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। IPC की वैसे तो 511 धाराएं हैं, पर कुछ धाराएं इस प्रकार हैं। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में जिला विधिक सहायता विधिक प्राधिकरण छतरपुर द्वारा मान्यता प्राप्त लीगल एड क्लिनिक संचालित है, जिसमें पीड़ित शोषित एवं वंचित लोगों को निशुल्क विधिक सलाह लेकर न्याय दिलाने में सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में सैकड़ों लोग इस क्लिनिक के माध्यम से न्याय प्राप्त कर चुके हैं तथा दर्जनों परिवारों को टूटने से बचाया जा चुका है।